एके मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट एके आपके पास आऊंगा आता हूं मनोज जी आता हूं आपके पास श्रीवास्तव साहब आपके पास आता हूं। एके मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एके आपके पास इसलिए मैं जानबूझ के चौथे नंबर पर आया ताकि आप तीनों पॉलिटिकल पार्टीज का वर्जन सुन लीजिए। गुजरात के मन में क्या है, गुजरात क्या सोच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सामने जब वोटर खड़ा होगा उसके जहन में क्या मुद्दे होंगे। भूपेश जी धन्यवाद ये आमंत्रित करने के लिए। के पहला जो मुद्दा था वो मेन मुद्दा ये था कि आम आदमी अगर गुजरात में पहुंचती है जो एक नई पार्टी है तो गुजरात के वोटर्स के सामने एक नया ऑप्शन भी आएगा। अब कितना इम्पैक्ट पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा ये एक डिफरेंट विषय का डिबेट का विषय है, लेकिन इतना श्योर है कि कोई भी अगर नई बॉडी जो है कहीं पे भी इंट्रोड्यूस होती है किसी सिस्टम में तो कुछ ना कुछ जो है वोट शिफ्टिंग इधर से उधर होती है। रही बात देखिए अब ये कैसे होगा, हो सकता है कांग्रेस का वोट कट करके, कांग्रेस बहुत इनएक्टिव है वो कट करके बीजेपी में चला जाए, या हो सकता है आम आदमी पार्टी वालों ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि वोट इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। हालांकि गुजरात एक अलग से स्टेट है, नॉर्दर्न बेल्ट का स्टेट नहीं है, वहां की भावनाएं वहां की प्रायोरिटीज और एक ऐसी सरकार जो पिछले 20-25-27 सालों से लगातार परफॉर्म कर रही है उसकी जड़ों को हिलाना तो दूर की बात है। मुझे ये लगता है कि शायद अगर कोई पार्टी चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी तना भी अगर हिला दे, ये मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि किस तरीके से इनके अभी वहां ये काम कर रहे हैं, किस तरीके से फीडबैक वगैरह आ रहे हैं, कितनी ऑर्गेनाइज्ड है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस और कितनी मजबूत है, कितनी ग्राउंडेड है, कितनी ग्राउंडेड अपने आप को कर पाई है। तो ठीक है रिजल्ट कुछ भी होगा लेकिन इतना है कि जो आमने सामने की टक्कर पहले होती थी तो बीजेपी बहुत आसानी से लीड कर जाती थी, लेकिन एक नया डायमेंशन जुड़ने के कारण ये बीजेपी के लिए भी एक नई तरीके की चुनौती खड़ी होगी। वो मैनेज कर पाएंगे कितना कर पाएंगे ये भी देखा जा सकता है। मनोज पंडित कांग्रेस से ज्यादा डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से, वो कह रहे हैं हम जहां उतरते हैं धमक के साथ उतरते हैं और सरकार बनाते हैं, दिल्ली पंजाब का एग्जांपल दे रहे हैं। नहीं है भूपेश जी, हम लोगों ने काम किया है, देश जानता है प्रदेश जानता है, पिछले 27 सालों से वहां पर हैं। और मैं मिश्रा जी की बात से सहमत हूं कि जो लोग जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, ताकि कम से कम लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा कि हाँ भाई क्या कहते हैं, इनकी कथनी करनी में फर्क है और वो पूरा प्रदेश जानता है कि क्या हालत है, केजरीवाल जी किस पैरामीटर पे काम करते हैं। तो इसमें हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, बीजेपी का काम करने का तरीका बिल्कुल स्पष्ट है और लोग सहमत हैं उस तरीके से। और आज मैं आपके इस मंच के माध्यम से बता दूं कि हम जिस दिन चुनाव होगा, जिस दिन काउंटिंग होगी, हम सब फिर साथ बैठेंगे और फिर बता देंगे कि एक्चुअल में हकीकत है क्या। तो ये सपने देखने का अधिकार सबका है, देखें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर अनीत सिंह भूपेश, भारतीय जनता पार्टी से भी छिटक कर दो नेता कांग्रेस में चले गए, बालकृष्ण पटेल और प्रभात सिंह चौहान जी। इनका कहना है कि कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस के कैडर को मजबूत करेंगे, युवाओं को आगे लाएंगे। भूपेश जी मैंने आपको बताया कि ये वही सिलसिला है, चुनावी मौसम का एक की हकीकत है जो हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी इस समय बैकफुट पर क्यों है। आपने देखा होगा कि इसके पहले भी जो इलेक्शन होते रहे हैं वो हिमाचल और गुजरात के इलेक्शन साथ में डिक्लेयर होते थे और साथ में ये रिजल्ट आता था और एक नॉर्मल सी ये सिस्टम जो चला आ रहा था। लेकिन इस बार आपने देखा कि सरकार की दखलंदाजी की वजह से बिना किसी अभी भी कोई वैलिड रीजन हमें पता नहीं है कि किस तरीके से गुजरात के चुनाव का जो अनाउंसमेंट है वो डिले किया गया। वो डिले सिर्फ इंटेंशनल था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को रोप इन करके वहां पे जो नई नई उनकी जनसभाएं हैं जो भारत सरकार के पैसे पे उसको वहां पे फीडबैक करने के लिए, फीडबैक देने के लिए। उसके अलावा 182 सीटों में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? 100 के पार। अब मैं आपको और दूसरे रीजन बता रहा हूं। इसका आधार सर, इसका आधार हमारे जो आपने देखा होगा कि किस तरीके से हर बार लगातार कांग्रेस एक विनिंग, पिछले बार भी अगर आप देखेंगे तो विनिंग मार्जिन हमारा अगर वोट परसेंट में देखेंगे तो बहुत ही नैरो मार्जिन है। हमें जिस तरीके से इनका 27 साल का कुशासन रहा है भारतीय जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है वहां पर। प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम दौरे हो रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, भगवंत मान, जितने चेहरे बोले जा सकते हैं वहां पर ले जा रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेस के नेता, बड़े नेता अभी तक नदारद हैं, उतनी ज्यादा उनकी प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखाई दे रही। भूपेश जी मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी को वहां का चुनाव का इंचार्ज बना के भेजा गया है, पूरी पूरी लीडरशिप वहां पे तैयार है और हम जमीनी स्तर पे बहुत, इस बार हम बड़े
जो हमारी चुनावी स्ट्रैटेजी है उसको लेकर हम काफी गंभीर हैं, और जो बड़े बड़े जो रोड शो या इस तरीके की रैलियां होती थी उसके बजाय हम वहां पे नुक्कड़ सभाओं में लोगों के बीच जा रहे हैं। और आपको मैं वहां की जो फीडबैक है वो बताऊं कि क्यों आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बौखलाहट है, वो इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो ट्रेडिशनली ऐसा समझा जाता है कि कांग्रेस का वोट बैंक वो कट करते हैं, पर गुजरात में ऐसा नहीं है। इनकी पैठ सिर्फ शहरों में है, कुछ चुनिंदा शहरों में जहां पे वो बीजेपी को जो उनके काडर के वोट हुआ करते हैं। रूरल गुजरात में अभी भी कांग्रेस बहुत हावी है और बहुत ऊपर तरीके से आ रही है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। चलिए, कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। आम आदमी पार्टी 4 से 5 सीटों में सिमट जाएगी। 100 से ज़्यादा कांग्रेस सीटें जीत रही है, ये कांग्रेस के नेता प्रवक्ता डॉक्टर अनीत सिंह का कहना है। रमेश जी, अगर 100 सीटें कांग्रेस जीत रही है और बाकी की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अगर कांग्रेस के दावे को मान लिया जाए, तो आप तो 3-4 सीटों पर आ रहे हैं, इनका कहना है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री का लिखित में किया गया दावा आज तक गलत नहीं हुआ। वो अगर गोवा में अरविंद केजरीवाल का दावा गोवा में बता दीजिए, आप उत्तरांचल में बता दीजिए। सर आप क्यों भाई आराम से, नहीं कोई घबराहट नहीं है श्रीवास्तव जी, आप गलत फिगर जो कोट कर रहे हैं। अभी आप बता रहे थे कि 84 में 2 सीटें, आज तक आपकी लोकसभा में कितनी सीटें आप बता दीजिए। अरे लोकसभा में कितने सांसद हैं आम आदमी पार्टी की? उनकी थी, भारतीय जनता पार्टी की, हम तो 84 में थे ही नहीं। मैं पूछ रहा हूं कि आज आपकी कितनी लोकसभा में सीटें हैं आप बताइए। अब आपकी बौखलाहट इतनी है कि गुजरात में हमें देख के आप घबराए, सुन लीजिए आराम से सुन लीजिए श्रीवास्तव जी। मैं देखिए चलिए चलिए बताइए। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी इस देश को कोई नया विजन दे पाने में सर्वथा असफल रही है। और अब वो कहते हैं कि साहब हमारे नेता सड़क पर आए हैं। अच्छी बात है, तेलंगाना में अभी राहुल जी थे, उसके बावजूद भी जो उन्हीं के द्वारा पिछली बार हासिल की गई सीट थी उस पर उपचुनाव हुआ और कांग्रेस एकदम तीसरे नंबर पर रही। रमेश जी, काउंटर करने का मौका दीजिए। बोलिए डॉक्टर, नहीं बोलिए। रमेश जी, आप एक शराब नीति बनाते हैं और फिर से वही 8 साल पुरानी कांग्रेस की नीति बनाते लेके आते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या क्या दिया है। आज आप एक स्कूल का नाम नहीं बता सकते जिसमें आप 8 साल से दिल्ली पे काम कर रहे हैं, एक अस्पताल का नाम नहीं बना सकते, एक फ्लाईओवर आपने नहीं बनाया है, मेट्रो का कोई अगर आप देखेंगे तो 50 किलोमीटर का दायरा भी नहीं टच कर रहा होगा आपके 8 साल में। ये आप गलत फहमी और गलत चीजें लोगों को मत परोसिए। आपके स्कूल में 2/3 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, आपके स्कूल में हेडमास्टर नहीं है, आपके निकली हुई पार्टी है करप्शन इस लेवल तक है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसी आप क्रांतिकारी पार्टी बन के आप आए थे। और आप समझिए कि आज आपके जितने भी मंत्री हैं, 6-6 मंत्री आपके जेल जा चुके हैं, कि ये कितनी हास्यास्पद बात है। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों को डिफेंड कर रही है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो। आप घोटाले से लेकर के आज तक जितने घोटाले कांग्रेस पार्टी ने किए उतने किसी ने भी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यही अगर आपका डिफेंड करने का तरीका है तो कोई फर्क ही नहीं। एके मिश्रा, आप बताइए कि जीरो टॉलरेंस का है अगर आप मनीष सिसोदिया को डिफेंड कर रहे हैं आज तक। चलिए, एके आम आदमी पार्टी के पास अच्छे कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे हैं 120 सीट्स को, ये भी खबरें आ रही हैं, दफ्तर में हंगामे भी हो रहे हैं। ऐसे में सरकार बनाने का दावा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेदखल करने का दावा, कांग्रेस का वोट बैंक अपने पक्ष में करने का दावा, कितना दम इस दावे में, आप देखते हैं। नहीं देखिए, मैं कोहली जी इन सारे दावों से मैं प्रभावित नहीं होता हूँ, इसीलिए पहले राउंड ही मैंने बोला था, स्पेशली आज की पॉलिटिक्स बहुत ग्राउंडेड हो गई है। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से हवाई जहाज से उड़ के गए, 2 दिन वहां रुके, 5 स्टार में रुके और सड़क पे जो है ऑटो से चल के आ गए। सेम कांग्रेस के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, वहां ये देखिए कि जिसकी सरकार है पिछले कई दशकों से, उसके मंत्री, मिनिस्टर, नेता, कार्यकर्ता डेली कोई ना कोई जो है किसी न किसी सरकारी काम के कारण या किसी भी पब्लिक से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसको वो जो मैंने एक वर्ड यूज किया था, ग्राउंडेड होना बहुत जरूरी है। मैं दोनों विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं
कि जितना काम उन्होंने किया या जितना वन टू वन कॉन्टेक्ट उनका है वहीं पे उनकी सरकार है। क्या ये लोग बाहर से जाके एक महीने पहले वहां जाके धमा चौकड़ी मचा करके क्या उस तरीके का रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगे वहां के वोटरों के साथ? मनोज पंडित, 25 साल के राज के बाद मैनिफेस्टो बनाना बड़ा मुश्किल होता होगा। अगले 5 साल में क्या काम करेंगे, क्या काम छूट गए 25 साल में जो फिर 5 साल मौका दिया जाए? एक ही आता हूँ। भूपेश जी, मेरा मानना ये है कि हमेशा आप आगे की सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। तो जो काम हमने पिछले 25-26 साल में किए, अब उसके आगे जो और करने हैं वो हमारे ब्लूप्रिंट्स में है, तैयार है और हम काम कर रहे हैं। जैसे और, नहीं अभी आप देखिए ना कि वहाँ पे जो नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने हैं और जो आवासीय चीज़ें हैं, जो वहाँ पे हमने सेक्टर्स डेवलप किए हैं, वो सारी चीज़ें हैं उसमें। जो वहाँ पे पेंशन योजना है और योजनाएं हैं वो सब लागू करने की बात कर रहे हैं। पर लेकिन ये नहीं कह रहे कि हम लोग बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, सुरक्षा नहीं देंगे। आज आप देखिए क्या हालत है वहाँ पे। सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है वहाँ का व्यक्ति। वहाँ का काम करने का तरीका पूरे हिंदुस्तान से अलग है। वहाँ पे जितने डायमंड मर्चेंट हैं या और जो लोग हैं उनका काम करने का तरीका आप पूरा देश जानता है कि दिवाली पे ही वो अपनी डायरी बंद कर देते हैं और अपना नया डायरी बना लेते हैं। तो मेरा मानना ये है कि बिल्कुल वहाँ कि एक एक व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को। डॉक्टर अनीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी इसलिए कई जगह सरकार बना लेती है क्योंकि विपक्ष कमजोर है। कई बार जानकार ये भी कहते हैं, आप डेंट ही नहीं कर पाते, आप लोगों की समस्याओं को सड़क पर ला ही नहीं पाते, आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते। इन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा इन चुनावों में? भूपेश जी, अभी AK मिश्रा साहब भी बोल रहे थे कि हम लोग ग्राउंडेड नहीं है और आम आदमी बीजेपी के नेता, उसके मंत्री सारे लोग ग्राउंडेड हैं। तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये उनकी डेस्पिरेशन है जिससे वो ग्राउंडेड हो चुके हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जो इलेक्शन है, ग्राउंडेड में फर्क है जी, अंडरग्राउंड नहीं हुए हैं वो लोग, ग्राउंडेड हैं। अंडर आप ये बोलिए अंडरग्राउंड हो गए हैं, बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। आता है अभी सर, भूपेश जी आपने सवाल पूछा, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के लाइन ऑफ स्टाइल या वर्किंग स्टाइल क्या है। बीजेपी ने पिछले 5 सालों में, आपने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्या काम बच गया है जो भी और करना चाहते हैं, मैं आपको 5 सालों का आंकड़ा दे रहा हूं। 1000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। 48 लाख जो बच्चियों का एडमिशन हुआ था वहां पे, वो घटकर 37 लाख, ये मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं, मनोज पंडित जी बाद में उसमें वक्तव्य देंगे, 48 लाख से 47 लाख तक की एनरोलमेंट गिर चुकी है ये सब। और अगर आप देखेंगे ड्रग की जो प्रॉब्लम ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा कि एक वहां प्राइवेट पोर्ट पे 22,000 करोड़ की कंसाइनमेंट पकड़ी जाती है। आज तक कोई खोजी मीडिया या कोई सरकारी एजेंसी या सरकार का कोई नुमाइंदा आज तक उसको पकड़ पाया? ये होती है राजनीति। ऐसे आपके पास कौन से सूत्र हैं जो आपको खबर है इस चीज की, आप बताइए। सरकारी तंत्र सब फेल हो गए आप और इन्हीं आपको आप, कांग्रेस को पता है चीजें कि कहां पर क्या आ रहा है क्या जा रहा है। आप जाइए ना, कौन सा माध्यम बंद है, किस माध्यम से, तो ये दुख की बात है। आप बताइए, कमाल हो गया। आप ये बताइए कि पिछले सितंबर में वो अपना काम कर रही है ना, पिछले सितंबर में क्या सरकार ने 22,000 करोड़ की ड्रग्स रखा है, अडानी पोर्ट पे आई है नहीं उनको कि आप ये काम करें? आप ये बताइए, आप ये बताइए कि 22,000 करोड़ की पिछले सितंबर में वहां पे ड्रग्स पकड़ी गई है या नहीं? नहीं नहीं, तो पकड़ी गई है तो ये तो सरकारी डिपार्टमेंट का काम है। मैं काम आपसे पूछना चाहता हूँ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पार्टी का क्या लेना देना है? अरे बताइए ना, ये क्या भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है? मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सरकारी प्रश्रय के बगैर कोई भी प्राइवेट पोर्ट पे इतना बड़ा जखीरा नहीं पकड़ा जाना चाहिए। रमेश श्रीवास्तव, मुफ्त बिजली, वो अभी जेल के पिछले यूनिट मुफ्त बिजली। चलिए एक एक करके वजह से अभी भी वहां पे लोग बचे हुए। रमेश जी, कितना करंट या कितना अंडर करंट है आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो को लेकर? कौन कौन सी खास बातें होंगी मैनिफेस्टो में आपके, जिसको लगता है ये क्लिक करेगा? देखिए, अरविंद जी ने वहां गुजरात में जाकर के जो चुनाव अभियान की शुरुआत 6 महीने पहले ही कर दी थी, उसमें उत्तरोत्तर उन्होंने 10 गारंटियां जोड़ी हैं। तो ये जो 10 गारंटियां हैं, ये हमारे मैनिफेस्टो का फ्रेमवर्क है, हम इसी पे कैपिटलाइज करेंगे। यही हमने जनता को समझाया है। और बड़ी सीधी सी बात है कि भाई, जो दिल्ली में, जो पंजाब में हमने काम किए, ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करने का, ठेके के कर्मचारियों को नियमित करने का,
बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य की व्यवस्था को रेगुलराइज करने का, 3 महीने के भीतर ही हमने पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक चालू कर दिए, तो उस तरह की व्यवस्थाओं को हम गुजरात में भी देंगे। और मोहल्ला क्लिनिक शायद दिल्ली में नहीं चल रहा है, हाथों हाथ ले रही है। अरे हालत मोहल्ला क्लिनिक की आपको मालूम है, हम पानी भरा हुआ है, कुत्ते बैठे मोहल्ला क्लिनिक में देंगे। वो एक आपने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए नई व्यवस्था लगा दी और 1,84,00,000 की बंदर बांट हो जाए, ऐसे फूलों का ठेका नहीं देने वाले। 150 लोगों की मौत हुई है, किसी के घर कोई गया भाजपा से? कोई नहीं गया वहां पे। आपने जो कंपेंसेशन का चेक अनाउंस किया, क्या उसका अभी तक पेमेंट हो गया? अभी तक उसका पेमेंट भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप इतने संवेदन शून्य हो चुके हैं तो आपकी राजनीति किसी तरफ नहीं दिखती। एक एक कंक्लूड आपसे करूंगा, क्या एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर मिल पाएगा पॉलिटिकल पार्टीज को, अपोजिशन को? इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है, इतनी लड़ाई लड़ रही है, इतने अच्छे से लड़ाई हो रही है। देखिए भूपेश जी, हर फैक्टर का बेनिफिट जो है अपोजिशन को मिल सकता है। मेरे कहने का मतलब है अपोजिशन कितना सक्षम है, क्या अपोजिशन, आप देखिए मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा ये लोग उस लेवल पे बना पा रहे हैं कि बीजेपी को साफ कर दे, इनकी सरकार आ जाए। बेरोजगारी ये बोल रहे हैं मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, GDP घट रही है, सारे मुद्दे हैं, लेकिन उस मुद्दे को आप उस स्टॉर्म में क्रिएट कर पाते हैं, ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं कि उतनी सीटें आप ले आए और सरकार बना लें, ये मेन चीज है। मुद्दे तो हमेशा से वही है, पता तो मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों से आप पब्लिक को कनेक्ट करके उनको कन्विंस कर पाते हैं कि भाई आप हमें वोट दीजिए, इनको वोट मत दीजिए और हमारी सरकार बनाइए। मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक के ऊपर उतना ठीक है, कुछ ना कुछ सीटें तो मिलेंगी, लेकिन वो इम्पैक्ट मुझे नहीं दिख रहा है कि एक लहर सी चल जाए कि हाँ भाई कोई आदमी दिल्ली से आया हुआ है और या कांग्रेस से आए हुए हैं, चलो जी। मुझे एंटी इनकम्बेंसी की कोई ऐसी बहुत खास लहर नहीं दिख रही है कि केवल ये सोच के खुश हो लिया जाए कि हाँ भाई एंटी इनकम्बेंसी की लहर है और हम जीत जाएंगे। एक बहुत बहुत शुक्रिया पॉलिटिकल एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए।